brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. हमारे संग सपा सांसद एस टी हसन जी मौजूद हैं। जी सर, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, किसको लेकर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्तार अंसारी की डेथ एक कंट्रोवर्शियल हो गई है, क्योंकि उनके घर वालों ने पहले भी इल्जाम लगाया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनकी डेथ हो जाएगी। किसी केस में उनकी कोई गवाही देनी थी, उन्होंने कहा था उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी। क्या हकीकत है, क्या वाकई वो नेचुरल डेथ है या पॉलिटिकल मर्डर है, उसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से ही इंक्वायरी होनी चाहिए। रिटायर्ड जज इसमें इंक्वायरी में नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के जज कर देंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि ये नेचुरल डेथ थी या अननेचुरल डेथ थी। परिजनों ने भी आरोप लगाए थे कि पॉइजन दिया जा रहा है जेल, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, उनके भाई ने पहले भी इल्जाम लगाया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब ये तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, उनके जो विसरा की जांच हो, और विसरा की जांच भी कई लेबोरेटरीज में होनी चाहिए, यूपी से बाहर की लैब्स में भी होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि उनके विसरा के अंदर कोई जहर के निशानात हैं या नहीं। तो ये था हमारे संग एसटी हसन जी, जिन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। मुरादाबाद से जगत गौतम।